जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111 में। अच्छा बताइए, कैसा रहा आप सब लोगों का रक्षाबंधन? आशा करते हैं कि बहुत अच्छा रहा होगा। 2 दिन हमने रीडिंग अपलोड नहीं की, सब लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने, सब लोग नहीं, बहुत सारे लोगों ने की दी आपकी रीडिंग क्यों नहीं आ रही है। अब देखो, इतना बड़ा त्यौहार होता है, परिवार के साथ होते हैं, है ना, तो टाइम नहीं दे पाते, जैसे कि नहीं मिल पाता टाइम। अगर फिर हम रीडिंग करेंगे तो सब लोग गुस्सा हो जाते हैं हमसे कि लो इनको तो इनकी रीडिंग की पड़ी रहती है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर इस वजह से उसमें बिजी रहे। लेकिन अब हम रीडिंग लेकर आ गए हैं और अब हम डेली करेंगे टाइम टाइम पर, ठीक है, प्रॉमिस। अच्छा, आज हम बताने वाले हैं कि जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, क्या है आपकी पूरी लव स्टोरी, मतलब क्या है इस रिश्ते का प्रेजेंट, क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर, आपके रिश्ते की असली स्टोरी क्या है, असली कहानी क्या है, दोनों, मतलब सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें बताने वाले हैं। क्या होगा इस रिश्ते का इन फ्यूचर, आप एक होंगे नहीं होंगे, अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सारी चीज़ें बहुत डीपली अच्छे से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करके एक ऑप्शन चूज़ करना है। लेकिन सबसे पहले हम मेडिटेशन करेंगे, जैसे कि हम लोग डेली करते हैं मेडिटेशन और सिंगिंग बॉल मेडिटेशन करते हैं। अगर आप एकांत में हो या फिर अभी जब आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो 2 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके हमारे साथ ध्यान कर लीजिए, जिससे आपका मन एकाग्र हो जाएगा। आपके आसपास जो नेगेटिविटी होगी वो भी बहुत हद तक क्लीन होगी और आपका मन भी काफ़ी शांत शांत सा आप महसूस करेंगे। तो इसकी शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपका मन शांत हुआ होगा। चलिए, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। देखिए क्या है आपकी लव स्टोरी, क्या है इस लव स्टोरी का फ्यूचर, क्या था पास्ट, क्या है प्रेजेंट और क्या होगा इन फ्यूचर, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे,
डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को, और जिनके बारे में सोचकर आपने चूज़ किया है, अब आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर। क्या है प्रेजेंट, क्या चल रहा है अभी, तो सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। और आपको डिटेल जाननी है तो रीडिंग पूरी देखनी होगी, स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए जी, इधर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, कर्क वृश्चिक मीन राशि, एरीज लियो सेजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि थोड़ा सा कम है, बाकी सारे साइन और एलिमेंट्स एक तरीके से बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, फिर आप भी, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 10 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख और 6 तारीख, 3 तारीख, 25 तारीख, 15 तारीख, 12 तारीख, 7 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 18 तारीख और 7 तारीख, 14 तारीख, ठीक है। तो ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं, आपका भी हो सकता है और उनका भी हो सकता है। मार्च, अगस्त, फरवरी, जुलाई, दिसंबर, ठीक है, ये यहाँ पर बर्थ मंथ हैं। आपके और उनके नेम के इनिशियल की बात करते हैं, इसमें आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है। हो सकता है कि दोनों का जो नेम का फर्स्ट लेटर है, जो इनिशियल है, वो एक ही हो। एन बहुत स्ट्रांग है, एन आर ओ एस ए एल वी एच के जी सी, ठीक है, ये है यहाँ पर इनिशियल। चलिए इस रिश्ते की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए डियर, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब कि आसपास का रिश्ता नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और जिनके साथ आप स्ट्रांगली डील कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए, इनके साथ आपका एज डिफरेंस भी है। जी हाँ, इनके साथ आपका एज डिफरेंस भी है। या फिर कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि पहले डिस्टेंस नहीं था, लेकिन बाद में वो अपने करियर से रिलेटेड या तो स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए वो बाहर चले गए हैं, ठीक है। ये जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, एक बात पक्की है कि हमें नहीं पता कि उन्होंने कभी आपसे बात कही कि नहीं कही, बट थर्ड पार्टी इशू शुरू से ही, डे वन से जब आपका रिश्ता बना तब से ही है। अब देखो, ये थर्ड पार्टी अलग अलग तरह की है, फैमिली भी हो सकती है, या वो ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर ऑलरेडी कमिटेड थे, उनकी लाइफ में कोई और था, बट वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हुए थे। शुरू शुरू में ये प्यार सोल लेवल पर नहीं था, जब आप लोगों का रिश्ता शुरू हुआ ना, तो जो खिंचाव था ना, वो सोल लेवल पर नहीं था, वो फिज़िकल लेवल पर था। वो रूप रंग को देखकर आकर्षित होना, टैलेंट को देखकर, समझ, पर्सनालिटी को देखकर अट्रैक्ट होना, इस लेवल पर था वो सब कुछ, इस लेवल पर। इस लेवल पर कुछ भी नहीं था कि बहुत प्यार हो, आत्मा से प्यार हो और कुछ अलग तरीके का हो, पहले नहीं था। पहले तो बस ये था कि वो आपको देखकर बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और फिर वो किसी भी कीमत में आपको पाना चाहते थे, समझ रहे हैं। आप भी हुए होंगे, डेफिनेटली आप भी हुए होंगे, और हो सकता है कि आपकी तरफ से ना भी रहा हो, ऐसा हम कुछ ये नहीं कहते कि नहीं आपकी तरफ से
श्योरिटी है कि आपकी तरफ से भी फिज़िकल लेवल पर रहा हो, बट उनकी तरफ से था, उनको पहले ये था कि कैसे भी पाना है इसे, पाना है इसे, इसे अपना बनाना है। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान के दिल में, दिमाग में 24 घंटे वही 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 इंसान चलता रहता है, और इनके दिल दिमाग में हर वक्त आपका ही ख्याल होता था। तो शुरू शुरू में आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपके साथ रिश्ते बनाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की होंगी, समझ रहे हैं आप। इन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में कुछ नहीं बताया, जैसे कि जिन लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, डेफिनेटली इन्होंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा होगा कि आपका मन बैक ऑफ करने का हो, कि जब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है तो हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इन फ्यूचर कोई कभी भी रोना नहीं चाहता, इन फ्यूचर कोई कभी रोना नहीं चाहता, लेकिन आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सोचते हैं, वो भी दिल से सोचते हैं। आप कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं कोई ऐसी गलती करूं जिसका परिणाम इन फ्यूचर गलत हो, मेरे लिए, इवन किसी और के लिए भी। तो आप बहुत सोच समझ कर लाइफ में एक्शन लेते हैं, बहुत सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो पहले हो सकता है कि आप सीरियस नहीं थे, बट ये आपको लेकर, हमने बताया ना एक तरीके से, जैसे इंसान एडिक्टेड हो जाता है ना किसी का, बिल्कुल कि नहीं अब वही चाहिए, बस वही वही वही, तो बस आपकी ही धुन सवार थे इनके अंदर। थर्ड पार्टी तब भी थी बट आपको पता नहीं था। अगर आप अनमैरिड हैं और आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो वो भी अनमैरिड हो, तो इनको अच्छे से पता था कि मेरी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट उस टाइम पर इनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि इन्हें आपके साथ फ्यूचर में आगे जाना है। इनको बस यही था कि अभी टाइम पास करो और देखा जाएगा कौन, ऐसे तो लाइफ में हज़ारों लोग आते हैं जाते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो गले ही पड़ जाएं, शादी ही करनी हो या फिर हम उनको लेकर सीरियस ही हो जाएं, है ना। तो ये ऐसा था और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे कभी भी बताई ही नहीं है, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपको छुपाई हैं, आपसे छुपाई हैं। अच्छा, पॉजेसिव थे बहुत ज़्यादा ये, जब आप रिश्ते में आ गए तो इस बात को लेकर हमेशा लड़ाई होती थी, जैसे कि आपको खोने का डर इन्हें थोड़ा सा सताता था। अभी देखो, हम जिस प्रेम की हमेशा बात करते हैं, जिस प्यार की बात करते हैं, वो बहुत हाई लेवल का होता है, जो आजकल लोग करते हैं। हम शायद इस प्रेम के बारे में बहुत ज़्यादा खास बातचीत नहीं करते हैं, आप अपने लेवल पर सुनते होंगे, बट हम अपने लेवल पर बात करते हैं, हमारा जो हायर सेल्फ है हम उस लेवल से बात करते हैं, स्पेशली प्रेम को लेकर, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही बता रहे हैं कि केयर करना, पजेसिव होना, टाइम टाइम पर बात करना, ज़रूरी नहीं कि ये प्यार है, ज़रूरी नहीं कि प्यार है, ठीक है, आप इसे प्यार समझते हैं अलग बात है, पर ये प्यार नहीं है। तो शुरू शुरू में इनको ऐसा लगता था, जब आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे तो ये बिल्कुल ऐसा दिखाते थे कि आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, आपको लेकर बहुत लॉयल हैं, आपको लेकर बहुत इनसिक्योरिटी होती इनके मन में, आपको कभी खोना नहीं चाहते, इस वजह से जैसे कि दिखाते थे कि आपकी बहुत परवाह है और ये आपके बिना नहीं रह सकते, आप प्लीज़ कभी किसी से बात ना करें। इनको हमेशा डर लगता था कि कहीं कोई मुझसे बेहतर ना इसे मिल जाए, कहीं कोई मुझसे बेहतर, तो रोक टोक भी बहुत करते थे, बहुत जैसे कि काफ़ी पॉजेसिवनेस दिखाते थे कि मतलब बहुत पॉजेसिव हैं आपको लेकर, इस तरह की चीज़ें, ट्रस्ट इशू भी बहुत करते थे। तो जब ये बहुत ज़्यादा इस तरह की रोक टोक करते थे तो शुरू शुरू में आपको अच्छा लगता था, आपको लगता था कि यार और क्या चाहिए, कोई प्यार करे, केयर करे, रेस्पेक्ट करे, और क्या चाहिए, है ना। तो शुरू शुरू में ऐसा रहा, पास्ट में, हम ये चीज़ें पास्ट की बता रहे हैं, प्रेजेंट की, फ्यूचर की अभी बताने वाले हैं। तो आप बहुत ज़्यादा धीरे 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 इनको लेकर सीरियस होते गए। अब हम बताते हैं, या तो ऐसा हुआ कि इन्हें जॉब के लिए या फिर अपने करियर से रिलेटेड कहीं बाहर जाना पड़ा, क्योंकि एक समय पर इनकी आर्थिक स्थिति हुई ख़राब, ठीक है, इन्हें कहीं बाहर जाना पड़ा, फिर इनकी फैमिली ने इनकी शादी कहीं और करवा दी या फिर इंगेजमेंट कहीं और करवा दी, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड थे तो इनकी अपनी वाइफ या हस्बैंड को लेकर ये काफ़ी सीरियस हुए बीच में, तो इन्होंने थोड़ा सा आपसे बातचीत करना बंद किया।
आपको पता चला या नहीं भी पता चला तो आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई, बहुत दर्द हुआ कि अब क्या होगा, कैसे होगा। आप तो सीरियस हो चुके हैं अब इनके प्यार में, आपने तो इनको दिल से बिल्कुल सोच लिया कि हाँ वाकई हम इन फ्यूचर साथ जीने वाले हैं, आप सीरियस हो गए इन्हें लेकर, ठीक है। तो फिर आप इनके साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे, आप सपने देखने लगे। लेकिन अभी करेंटली ये चल रहा है कि कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है इस रिश्ते में। अब हम बताएं, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है ये, कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन है ये, कुछ लोगों का ट्विन सोल कनेक्शन है ये। शुरू शुरू में जो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट होता है वो भी हमसे अट्रैक्ट तो होता है सोल लेवल पर, बट उसे पता नहीं होता, उसे लगता है कि शायद ये बहुत सुंदर है, शायद बहुत गुड लुकिंग है, इस वजह से, क्योंकि उसे सोल लेवल के आकर्षण का पता नहीं होता, उसे उस लेवल के प्रेम का कुछ अंदाज़ा नहीं होता है। वो जिंदगी भर जिन चीज़ों के पीछे भागा हुआ होता है, जिन चीज़ों पर अट्रैक्ट होता है, तो उसे ये प्रेम भी, ये अट्रैक्शन भी उसी लेवल का लगता है। तो कुछ लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, कुछ लोग सोलमेट जर्नी वाले हैं। माफ़ करिए, इधर कार्मिक कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये पर्सन काफ़ी समझदार भी हैं, बचकाने नहीं हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ये बचकाने नहीं हैं। तो अब दो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में इन्हें रुला रही हैं, या तो प्यार परिवार, या तो प्यार और करियर, या तो प्यार और थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी, ये ऑलरेडी मैरिड हैं, ये फिर इनकी फैमिली, जिस भी वजह से इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, समझ रहे, फैमिली इशू भी बहुत स्ट्रांग है इस रिश्ते में। और एक बात बताएं, नेगेटिव एनर्जी प्लस डेविल एनर्जी, लाइक ब्लैक मैजिक टाइप की, इस तरह की भी एनर्जी इन पर काफ़ी हावी होती है, समझ रहे हो, अब काफ़ी हावी होती है। तो बीच बीच में इनका मूड स्विंग करता है, कभी ये बहुत अच्छी बातें, कभी बहुत उखड़ी उखड़ी सी बातें करने लगते हैं। तो अभी आपको खुद भी कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो अभी हम आपकी एनर्जी देखते हैं तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि आपको लगता है कि शायद ये अपनी लाइफ में खुश है। कुछ लोगों का यहाँ पर सेपरेशन भी चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपको लगता है ये किसी और के साथ मस्त है, ये किसी और के साथ खुश है। बट हम उनकी एनर्जी बताएं आपको कि वो खुश नहीं है, वो अपनी लाइफ में बहुत एक सामंजस्य, एक संतुलन, एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश तो कर रहे हैं बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। उनका कभी कभी मन होता है, अभी हम करंट एनर्जी बता रहे हैं, उनका कभी कभी मन होता है कि वो आपसे ये कहें कि तुम भी सब छोड़ दो, मैं भी सब छोड़ दूँ, और हम कहीं दूर चले जाते हैं। उनके मन में कई बार ख्याल आता है कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाएँ, मेल हो फीमेल हो, लेकिन फिर इन्हें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है। इनके ऊपर एक्चुअल में बर्डन बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन ये अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं, समझ रहे हो आप, ज़रूरत से ज़्यादा। तो कई बार हो सकता है जब आप दोनों के दरमियान ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है, जब बातचीत होने लगती है, तो कई बार ये खुद भी आपसे बोलते होंगे कि हम दूर चले जाएंगे, हम अच्छे से ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, फिर अचानक पोस्टपोन कर देते कि नहीं अभी नहीं, कुछ दिन बाद, नहीं अभी नहीं, कुछ दिन बाद। तो अभी ये ना ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है। बट एक बात हमें ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 इन्हें ये एहसास हो रहा है, अभी करेंटली इन्हें ये एहसास हो रहा है कि मैं किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, मैं किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह सकता। अच्छा, अगर ये अनमैरिड हैं और अभी इनकी शादी की बातचीत कुछ नहीं हो रही है, तो जितने लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं, ये उनके बेस्ट फ्रेंड हो या फिर किसी और के साथ रिश्ते में भी अगर ये आ गए हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये किसी और के साथ मस्त है, लेकिन अंदर से इन्हें ये एहसास हो रहा है कि आपकी तरह कोई नहीं है। एक होता है ना कि इंसान को बाहर का अनुभव लेने के लिए भी टाइम देना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं रिश्तों में बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती मत करिए, बहुत ज़्यादा रोक टोक मत करिए। अगर आप रोक टोक करेंगे तो इंसान घुटन फील करने लगेगा आपके साथ। उसे थोड़ा सा अनुभव करने दीजिए, उसे फील होने दीजिए कि बाहर के लोग कैसे हैं,
जैसे कंपैरिजन करने का मौका दीजिए। अगर आप उसे कभी कंपैरिजन करने का मौका नहीं देंगे ना, तो उसे कभी आपके प्यार का एहसास नहीं होगा। हम सबकी घर में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कि जो मम्मी लोग होती हैं, जब हम उनसे बहुत जैसे कि कहते हैं कि ये क्या है ये क्या है, तो वो ये कहती हैं कि जब ससुराल जाओगी तब पता चलेगा, है ना। अभी हमारा प्यार बहुत कम लगता है, हम बुरे लगते हैं, लेकिन जब ससुराल जाओगी तब पता चलेगा कि क्या होता है ससुराल। ये लड़कियों के लिए, और स्पेशली जो लड़के होते हैं उनसे मम्मी लोग बोलती हैं, जब तुम्हारी पत्नी आएगी, तुम्हारी औरत आएगी, तब देखेंगे वो कितना करेगी, कहते हैं ना। कि तो वो फिर एक समय पर जब हमारे माता पिता नहीं होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, या फिर हम किसी भी कारण की वजह से अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, तो जब हम कंपेयर करते हैं, अगर हमारा गुड लक रहा कि हमें कोई अच्छा इंसान मिला है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत अफसोस होता है, हर किसी को होता है कि हाँ वो सही कहते थे, हाँ वो सही कहते थे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करने का मौका मिलता है। ऐसे ही कंपैरिजन करने का चांस ज़रूर ज़रूर देना चाहिए एक बार, बल्कि आप खुद कोशिश करिए कि ये एक बार किसी और के चक्कर में पड़े, ये एक बार अनुभव करे कि मैं क्या हूँ और जो बाहर की लुभावनी दुनिया है, जो बाहर के फेक लोग हैं, वो क्या हैं। कभी कभी लोग दिखावा बहुत करते हैं, पर वो दिखावा कितने दिन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको जैसे कि ढील देनी चाहिए, थोड़ा सा इन्हें मौका देना चाहिए। अगर आपको पता भी चल रहा है ना कि इनका कहीं कुछ चल रहा है, तो आप ये शो ऑफ करो कि आपको कुछ पता नहीं है, इन्हें थोड़ा सा कंपेयर करो, और उस टाइम पर उनसे लड़ाई झगड़े मत करो, इवन और प्यार करो, और प्यार करो, जिससे उन्हें अंदर से महसूस हो जाए कि यार बताओ इतना मैं इसके साथ गलत कर रही हूँ, गलत कर रहा हूँ, तब भी ये मुझसे इतना प्यार कर रहा है। जब इंसान को इस चीज़ का एहसास हो जाता है ना, ट्रस्ट में वो कभी छोड़ कर नहीं जाता है, कभी नहीं जाता फिर वो छोड़ कर, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं दुनिया में कहीं पर भी घूम लूँ पर इसके जैसा कोई नहीं है। और यही वो रिश्ते होते हैं जो अनंत जन्मों तक जाते हैं, लेकिन जिन रिश्तों में किच 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 डेली होती है, फिर उन रिश्तों में घुटन हो जाती, फिर लगता है यार छोड़ो, क्यों हम इसके साथ रह रहे हैं, होता है ना। कि बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं, फ्रीडम नहीं देते हैं, क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, क्या है ये है वो, बहुत सारी चीज़ें। ये चीज़ें कुछ दिनों तक अच्छी लगती हैं शुरू में, कि हाँ मेरा हक है, मैं हक जता रहा हूँ, लेकिन एक दिन ये हक लिमिट क्रॉस कर देता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तुम उससे बात क्यों कर रही थी, तुम क्यों कर रहे थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता, बुरा लगने लगता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर पता है क्या है, कि हो सकता है कि आपने इन्हें कंपेयर करने का मौका दे दिया है, इनकी शादी हो गई है, फिर किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बट अभी इन्हें बहुत डीपली महसूस हो रहा है कि आप क्या हैं और लोग क्या हैं। जैसे कि इनके अंदर समझ आ रही है, आपके प्यार का इन्हें एहसास हो रहा है, और तभी इनके मन में बार बार ख्याल आता है कि सब छोड़कर उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मेरी खुशी सिर्फ वो ही है, मुझे किसी और के साथ शायद कभी खुशी मिलेगी, ये समझ लीजिए। तो ये ट्विन सोल कनेक्शन हो या फिर सोलमेट कनेक्शन हो, ईश्वर आप दोनों को मिलाने की, एंजल्स आप दोनों के मिलाने की फुल प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। बस ईश्वर चाहते हैं इस रिश्ते में थोड़ी सी भी इमेच्योरिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब इतना परिपक्व प्रेम होना चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फिर कभी दोबारा आप अलग ना हो। अगर आप आज अलग भी हैं ना, तो ट्रस्ट मी, इन फ्यूचर आप दोनों ज़रूर 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 एक होंगे, इवन आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। अभी जो भी परिस्थिति चल रही है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि वो किसी के साथ खुश है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फ्यूचर हम देख रहे हैं इस रिश्ते का, फ्यूचर इस रिश्ते का बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और हम आप दोनों को एक साथ देख रहे हैं, हम दोनों की मैरिड लाइफ देख रहे हैं, अनंत जन्मों तक आप दोनों एक दूसरे के होकर जीने वाले हैं इन फ्यूचर। ये है आपकी लव स्टोरी, समझ रहे हैं। देखिए अब इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्रेजेंट तो हमने बताया कि प्रेजेंट में करेंटली
वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बार बार सोचते हैं, लेकिन बर्डन बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जैसे कहीं बंधे हुए हैं, इस वजह से अभी चीज़ें बार बार पोस्टपोन हो रही हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, बट बहुत जल्द एक्शन लेंगे, वो बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे। हाँ, इनकी सेल्फ हीलिंग भी हो रही है, एंजल्स इनकी हीलिंग भी कर रहे हैं, आप इतना समझिए, ठीक है। तो फ्यूचर हम बताते हैं कि अभी जो आप दोनों अलग हुए, कहते हैं ना कि कुछ कर्मा होता है, साइकिल होता है ना कर्मा, तो जब कर्मा क्लीन हो जाता है, अभी हो सकता है कि कुछ कर्मा हो जिस वजह से अलग रहना पड़ रहा है, बट जब कर्मा क्लीन हो जाएगा ना, तो फिर आप दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इस रिश्ते का बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं हम, कंप्लीशन महसूस करेंगे आप इस रिश्ते में, बहुत सक्सेसफुल लाइफ होगी आप दोनों की, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी इस रिलेशनशिप में, और आप दोनों ही एक दूसरे की फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस होंगे। ये समझ लीजिए कि तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी ज़िंदगी है, ये महसूस करेंगे आप दोनों। चलिए आंखें बंद करिए, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। इन फ्यूचर जो होगा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हमें पता है कि आप बहुत सोचते हैं, बहुत दिल से सोचते हैं, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, हो सकता है आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ रह रहे हों, या फिर किसी और के साथ इस टाइम पर आगे बढ़ गए हों, बट वो फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर आप हैं, और फ्यूचर में आप दोनों की इतनी अच्छी मैरिड लाइफ होगी कि हम अभी शब्दों में उसे बयां नहीं कर सकते। बस आप दोनों ने एक दूसरे के प्रति बहुत आभार व्यक्त करेंगे, ईश्वर के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे आप कि अच्छा हुआ मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलाया जिससे मुझे सबक मिला, मुझे अनुभव हुआ कि हाँ इनके जैसा कोई नहीं, समझ रहे हैं। तो अभी का मत देखिए, अभी का देखकर खुद को परेशान मत करिए, अभी का देखकर आप ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लीजिए। फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और फ्यूचर में आप दोनों की जो फीलिंग्स होंगी वो हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये होगी आप दोनों की फीलिंग्स कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, और चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, ये समझ लीजिए। तो डियर, आप इतना समझिए कि आगे चलकर आप दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, सक्सेसफुल लाइफ। आपके जो पर्सन हैं ये भी आपके लिए बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेंगे, बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेंगे, और ये इन फ्यूचर लाइफ में बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी लाइफ होगी, बहुत स्टेबिलिटी होगी आपकी लाइफ में। और कौन क्या कहता है, क्यों कहता है, क्यों कहेगा, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इन फ्यूचर आप दोनों की लाइफ में, ये समझ लीजिए। इन फ्यूचर आप दोनों बस एक दूसरे के होकर ही जिएंगे, इन फ्यूचर आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। हम एक बात बताएं, ये जितना फील करते हैं उतना बोल नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं। इनका जो नेचर है ना, वो थोड़ा ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं ये, और ये सोचते हैं कि कम शब्दों में मेरी बात समझ ली जाए।
जैसे कि दुख का रोना रोने की आदत नहीं है, अगर बहुत दुखी होंगे तो किसी से बताएंगे नहीं, लाइक फीलिंग्स हाइड करते हैं ये। और हमने एक बात तो आपको बताई है कि हो सकता है कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, फिर बहुत अच्छी पोस्ट पर इनकी जॉब हो, या हो जाएगी इन फ्यूचर हो भी सकती है, इनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इन फ्यूचर, ये समझ लीजिए। तो लाइफ बहुत बहुत अच्छी होने वाली है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी फ्यूचर में। तो ये है आपकी कंप्लीट लव स्टोरी, समझ रहे हैं। और आप होंगे, आपका पूरा परिवार होगा, सब कुछ बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करिए, ग्रेटिट्यूड सेंड करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके इस रिश्ते का क्या पास्ट था, क्या प्रेजेंट है, और क्या फ्यूचर होगा? मतलब कि क्या है इस रिश्ते की पूरी कहानी, इस रिश्ते की पूरी सच्चाई, इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। देखिए, इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, एरीस लियो सैजिटेरियस थोड़ा सा कम है, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी है। अच्छा, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी भी एनर्जी है और उनकी भी एनर्जी है। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। उनका या फिर आपका जन्म किसी महीने की 14 तारीख, 3 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 22 तारीख, 21 तारीख, 1 तारीख, 31 तारीख, 20 तारीख, 4 तारीख, 27 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख को हुआ होगा, ठीक है। ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ की बात करें अगर, तो मई, मार्च, अप्रैल, जनवरी और जुलाई, नवंबर, अक्टूबर, ठीक है, ये यहाँ पर बर्थ मंथ हैं। चलिए इनिशियल की बात कर लेते हैं। बी टी ए एफ वाई यू एस आर एन पी क्यू जी, ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। अब हम बात करते हैं इस रिश्ते की। देखिए डियर, हमें यहाँ पर न्यू कनेक्शन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। न्यू कनेक्शन मतलब ये नहीं कि अभी हाल फिलहाल आप मिले हैं एक दो महीने पहले। न्यू कनेक्शन मतलब कि बहुत पुराना रिश्ता नहीं है जहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हों, और मतलब एक दूसरे की रेस्पेक्ट ना हो, ऐसा 3-4 महीने का पुराना कनेक्शन है। मतलब इससे ज़्यादा पुराना कनेक्शन नहीं है, 3-4 महीने हो सकते हैं इस रिश्ते के लिए, और 3-4 महीने से लेके अभी एक हफ्ते तक का ऐसा कनेक्शन है। कोई व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में आया है अभी हाल फिलहाल। अच्छा, ये जो पर्सन है इनके साथ आपका एज डिफरेंस है। इनको देखकर हो सकता है कि आपको कभी कभी लगे कि शायद वो इमेच्योर है, शायद वो समझदार नहीं है, और क्योंकि कभी कभी उनकी हरकतें, कभी कभी उनकी कुछ एक्टिविटीज़, उनकी कुछ आदतें आपको ऐसी लग सकती हैं
कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, थोड़ा सा शायद आपको अच्छा ना लगे, बट हम आपको बता दें कि इमेच्योर बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये ऐसा कनेक्शन नहीं है जो ख़त्म होने के लिए बना है। हमने बताया इस रिश्ते में कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप इतना समझिए, इस रिश्ते में ना इसकी शुरुआत में कोई नेगेटिविटी नज़र आ रही है हमें, ना अभी कोई नेगेटिविटी है और ना इन फ्यूचर होगी। बस कुछ चीज़ों के लिए आपको अलर्ट रहना है इन फ्यूचर, कि अभी तो प्रेजेंट में पास्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जिनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, टूट सकता है। ये जो पर्सन है, समझ रहे हैं, ये आपसे बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। एक तो आपका मदरली नेचर, हमें ऐसा भी लगता है कि आप जो है शायद मैरिड हैं और काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी स्टेबल हैं, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, शायद कुछ बड़ा बिजनेस है आपका, फिर कोई बहुत अच्छी जॉब है आपकी लाइक, या फिर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जस्टिस से रिलेटेड है, जो जस्टिस से रिलेटेड है, तो ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि ये आपसे दिन प्रतिदिन कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं ना, वो इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ प्रभावित करती हैं, आपकी तरफ खींचती हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरा, आप अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, हाँ जी, और आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं, इनको देखते हुए आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं, तो आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि शायद ये मेरे लेवल का नहीं है। बट देखिए, इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू हो सकता है, बट अगर मैच्योरिटी की बात करें तो ये भी काफ़ी मैच्योर पर्सन है। ऐसा नहीं कि अगर इनकी एज कम है, अगर ये बहुत मस्ती करते हैं, अगर इनके अंदर गंभीरता नहीं है तो ये इमैच्योर है, नहीं, ये भी मैच्योर है, बस ये है कि ये बहुत गंभीर नहीं है। ये पता है कैसे हैं, जैसे कि ओपन हार्ट, मतलब इनके जो मन में आया वो ये बोल देंगे, जो वो कह देंगे, बहुत सेंसिटिव हैं, हर किसी का दुख दर्द महसूस करते हैं, अगर आपकी कोई बात इन्हें बुरी लगी तो शायद उसे ये मन में नहीं रखेंगे, ये बोल देंगे। आप ऐसे हो सकते हैं कि आप समय का इंतज़ार करेंगे, आप जैसे बहुत ज़्यादा नहीं बोलते होंगे, बट इनके मन में जो आता है वो ये कह देते हैं, अब चाहे आपको जैसा भी लगे, मतलब ये कोई भी बात मन में नहीं छुपाते हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन इन्हें आपके जैसा ही हम सफ़र चाहिए था। और इन्हें पता है क्या लगता है आपसे मिलकर, इन्हें लगता है कि शायद मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया है। जी हाँ, इनको ऐसा लगता है, आप जो इनसे मिले हैं ना कहीं इन्हें ऐसे ही पर्सन की, ऐसे ही हम सफ़र की तलाश थी, ये अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान ही चाहते थे। और एक बात हम और बता देते हैं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, बट इनका एक पास्ट था, एक बहुत पुराना, बहुत ख़राब सा पास्ट था, तो ये उससे पहले मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे लोगों से बातचीत की इन्होंने, सोशल साइट्स पर फ्रेंडशिप की, कि इनकी जो एनर्जी का फ़्लो है वो दूसरी तरफ हो जाए, या अपनी ऊर्जा का फ़्लो चेंज कर देंगे तो इनके जो इमोशंस हैं, जो जज्बाती हो जाते हैं, जो इतने दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, तो शायद सब ठीक रहेगा। बट ये वो कर ही नहीं पा रहे थे, ये उस रिश्ते से, उस एनर्जी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। बट जब से आप मिले हैं ना, तो इन्हें एक होप जगी है, समझ रहे हैं, इन्हें एक होप जगी है, इनके अंदर बिल्कुल ऐसा है कि हाँ, अब ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, हाँ, अब ये भटकेंगे नहीं इधर उधर, हाँ, अब इनकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि सिर्फ आपकी वजह से ये अपनी लाइफ में उस नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इन्हें एक होप मिली है, इन्हें एक रिलीफ मिला है आपसे मिलकर। हमें एक सॉन्ग सडनली अभी इंट्यूशन में आया है, हम आपको बताते हैं।
हो सकता है कि अभी आप इनके लिए देख रहे हैं रीडिंग, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने अब तक आपसे ना कहा हो, कुछ लोगों के पार्टनर ने बोल दिया है, मतलब इन्होंने बोल दिया आपसे कि क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, बट कुछ लोगों के लिए जिनका हाल फिलहाल अभी 1 महीने 2 महीने या फिर 15-20 दिन का रिलेशनशिप है, तो शायद अभी दोस्ती चल रही हो, बट इनके मन में आपके लिए बहुत कुछ है। एक तो रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब सम्मान बहुत ज़्यादा है आपके लिए, और दूसरा आप इनकी इंस्पिरेशन है, आप इनकी प्रेरणा है। आपका जीवन देखकर इनको लगता है कि मुझे भी ऐसा ही इंसान बनना है, और फिर अगर आप इनके हमसफ़र बन जाओ तो फिर उसकी तो बात ही अलग है, उसकी तो फिर बात ही अलग है। तो वो सॉन्ग है, तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे, हो गई जाने जां तेरी आदत सी मुझे। ये सॉन्ग आप सुनिए, इनकी एनर्जी है ये, हमें आता नहीं है सॉन्ग, तो आप इसे यूट्यूब पर सुनेंगे आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, और आप फील करना कि ये सॉन्ग वो आपके लिए मतलब वो आपको सुना रहे हैं, उनकी तरफ से डेडिकेटेड है ये, ठीक है। तो ये एनर्जी है उनकी कि आपसे मिलकर उन्हें एक होप जगी है, उन्हें एक उम्मीद जगी है, और इनको पता लगता है, इनको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो गई है। देर ही सही, देर से सही, लेकिन ईश्वर ने मेरी सुन ली है, मतलब कि जो इनके मन में था कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे मोटिवेशन देता, जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता, जो हर अच्छे बुरे वक्त पर मेरा साथ देता, जो मुझे समझता, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती रिश्तों को लेकर, ये नहीं कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया जाए, रेस्पेक्ट ना की जाए, कहीं पर भी बेइज्जती कर दी जाए और मतलब के लिए याद किया जाए। इन्हें ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए था, इन्हें सच में आपके जैसा इंसान चाहिए था। तो इनको लगता है कि देर से ही सही, पर ईश्वर ने मेरी सुनी है, और इनको लगता है कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। इनको ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद ये खुद से मिल गए हैं, जैसे कि इनका पहले कोई वजूद नहीं था, आपसे मिलने के बाद इनको लगता है कि इन्हें पता चला है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या होते हैं, इन्हें पता चला है कि सेल्फ़ लव क्या होता है, प्यार क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, लाइफ क्या होती, कैसे जीना है, कैसे ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करनी है, ये आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो इनके मन में आपके लिए बहुत कुछ है, ये आपसे लाइफ में संतुलन कैसे स्थापित करें, बैलेंस कैसे क्रिएट करें, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, और कुछ चीज़ों को, जैसे कि होता है ना, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ें आपसे सीखना चाहते हैं। हाँ, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो ममता है, जो प्रेम है, आप मेल हो फीमेल हो बट आप काफ़ी मदरली हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसे नहीं, आप ऐसे इंसान हैं कि कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ा काम वाम करके थक जाते हैं, थोड़ा पैसे वैसे कमाने लगते हैं, तो जैसे कि सबको वो फिर तुच्छ समझने लगते हैं, नीचा दिखाने लगते हैं, उनको लगता है कि अब यही मेरा सब कुछ है, बट आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप आपका समाज में एक बहुत अच्छा नाम भी है, बट आप अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी रीति रिवाजों को, परंपराओं को नहीं भूलते हैं, आप छोटों को प्रेम देना, बड़ों को रेस्पेक्ट देना नहीं भूलते हैं, तो आपके अंदर जो शालीनता है, आपके अंदर जो गंभीरता है, ये सारी चीज़ें ये आपसे सीखना चाहते हैं। जी हाँ, और आपके अंदर जो क्वालिटी है, लाइक आप जस्टिस लवर हैं, आप कभी भी झूठ का, फ्रॉड चीज़ों का, गलत चीज़ों का साथ नहीं देते, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ, आपसे काफ़ी इन सब चीज़ों की वजह से ये इम्प्रेस हैं। तो पता है, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। इस रिश्ते के पास्ट की बात करें तो पास्ट इसका कुछ ख़राब नहीं है, पास्ट बस इतना ही है कि आपसे मिलकर जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था, तभी इनको ऐसा फील हुआ था कि इनके साथ कुछ अलग है मेरा, मतलब इनके साथ कुछ लंबा जाएगा मेरा। जैसे कि एक होता है कि बहुत देर में हमें समझ में आता है, धीरे धीरे दोस्ती होती है, फिर एक दूसरे को समझते हैं, बट कुछ लोगों से फर्स्ट टाइम मिलकर ही लगता है कि ये बहुत कुछ हैं, उनसे एक जाना पहचाना एहसास होता है, ऐसा नहीं लगता कि हम इनसे पहली बार मिले हैं और हम इन्हें क्या जाने, ऐसी एनर्जी नहीं। तो
पहली बार देखकर ही मतलब ये दिल दे बैठे थे आपको, ये समझ लो आप पहली बार देखकर ही। तो पहली बार में ही इनके मन में एक स्ट्रेटजी आ गई थी, एक प्लानिंग आ गई थी कि मुझे कैसे भी इस व्यक्ति के करीब जाना है। अच्छा एक बात और, अगर आप मैरिड हैं या फिर आप सिंगल मॉम या सिंगल डैड हैं जो भी, तो अगर आप इनका साथ ना भी दो ना, तो ये किसी भी रूप में आपके साथ रहने के लिए रेडी रहेंगे। आप इनको दोस्त बना लो, दोस्त के रूप में आप इनके साथ रहो, बट इनका साथ ना छोड़ो कभी। ये मतलब आपसे मिलने के बाद इन्हें ज़िंदगी जीने का सलीका पता चला है, तो आपको किसी कीमत में खोना नहीं चाहते हैं। ये आपसे प्रेम करते हैं, अगर आप प्रेम के रूप में इन्हें अपना लेते हो तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप भी इनसे प्रेम करते हो तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, आप दोनों हमेशा हमेशा एक रहोगे। और मैच्योरिटी लेवल इधर बहुत अच्छा है। आज कितनी अच्छी बात है कि जैसे कि नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ना पाइल नंबर वन में थी ना पाइल नंबर टू में है, कोई डेविल एनर्जी नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये आपसे, ये काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी समझदार हैं। पहले इनको ऐसा लग रहा था कि शायद आप इतने ऊंचे ओहदे पर हैं, आप इतने हाई लेवल पर हैं, तो शायद आप इनसे बातचीत नहीं करेंगे, आप इन्हें कुछ वैल्यू नहीं देंगे। बट आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद इनको पता चला कि इंसान कितना भी ऊपर उठ जाए बट उसके अंदर ईगो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, वो किसी को नीचा नहीं दिखाता, वो सबको बराबर सम्मान देता है, सबकी रेस्पेक्ट करता है। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इन्हें। तो पहली बार में इनके मन में आया था कि एक बार तो इनसे दिल की बात कहनी है। अब ये आपके कैसे करीब आएंगे, सोचने लगे कि कैसे बात बढ़ाएं आपसे, तो ये शुरू में इनका था। तो इधर कुछ नेगेटिव नहीं है जो पास्ट को लेकर हम काफ़ी बातचीत लंबी बढ़ाएं, लेकिन अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट में कभी कभी थोड़ी एंजाइटी में चले जाते हैं, पता है क्यों? अब इन्हें आपसे बहुत प्यार हो गया है, करंट एनर्जी बता रहे हैं, करंटली इन्हें आपसे बहुत 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 प्यार हो गया है, बहुत प्यार हो गया। आपके साथ एक कैरिंग कनेक्शन महसूस करने लगे हैं, लाइक कई जन्मों वाला रिश्ता, सोल लेवल का कनेक्शन महसूस करने लगे हैं। और अब इनको ऐसा लगता है कि ये आपके बिना नहीं जी सकते। और इनके मन में अगर गलती से भी एक ख्याल आता है कि अगर हम दूर हो गए, तो इन्हें अंदर से बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट महसूस होने लगती है कि ये आपके बिना कैसे रहेंगे, आपके बिना कैसे रहेंगे। और ये सच है कि ये आपके बिना कभी 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 नहीं रह सकते। तो पता है, ये हमेशा ईश्वर से यही कहते हैं कि आप मुझे कभी कुछ मत देना, मेरी कोई विश पूरी मत करना, अब से मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करूँगी, कोई डिमांड नहीं करूँगा, बस इस व्यक्ति को मेरा बना देना। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पावर पोजीशन से अट्रैक्ट हैं, ऐसा नहीं, बस आपके व्यक्तित्व से अट्रैक्ट हैं, आपसे अट्रैक्ट हैं। आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है वो फिज़िकल लेवल पर नहीं है, वो बहुत सोल लेवल पर है। जैसे कि ये कभी बता नहीं सकेंगे कि आपके लिए इनके दिल में किस तरह की फीलिंग्स हैं, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनके मन में, समझ रहे हैं। तो बस इनको लगता है कि ईश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है, और ये आपको कभी किसी कीमत में खोना नहीं चाहेंगे। अभी इनके मन में, प्रेजेंट में हम बताएं, इनके मन में बहुत सारे ख्याल हैं आपके लिए, बहुत सारे सपने हैं इनके मन में आपको लेकर, कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे ज़िंदगी जिएंगे। और अगर आप अनमैरिड हैं, फिर मैरिड भी हैं, तो ये आपके साथ मैरिड लाइफ जीने का ख्वाब देखते हैं, ये जो पर्सन हैं करेंटली। इस ये जो लव स्टोरी है ना, बहुत पॉजिटिव है, स्टार्टिंग इसकी बहुत अच्छी तरीके से हुई है, और इसकी एंडिंग भी, एंडिंग तो कभी नहीं होता अच्छी, जो पवित्र रिश्ते होते हैं उनका कभी अंत नहीं होता, लेकिन जब तक आप दोनों शारीरिक रूप में इस दुनिया में हैं, तब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये समझ लीजिए। मतलब कि चाहे आप मैरिड हों, चाहे वो मैरिड हों, बट आप दोनों कभी भी आत्मा से अलग नहीं होंगे, आप दोनों की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कि अभी आपके मन में ज़्यादा ना हो, बट इनके मन में आपके लिए बहुत 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 कुछ है, और ये हर पल अप्रिशिएट करते हैं, हर पल ग्रेटिट्यूड रखते हैं ईश्वर के प्रति कि थैंक गॉड आपने मुझे इस इंसान से मिलाया, आपने इस व्यक्ति को मेरी ज़िंदगी बनाया, इसे आप मेरी ज़िंदगी में लेकर आए, वरना मैं कहाँ सोई थी, मैं कहाँ खोया हुआ था।
अब हम बताते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर बताते हैं आपको। देखिए, इस रिश्ते में बीच में थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी, अभी प्रेजेंट में कुछ खास नहीं है। देखो, थोड़ी बहुत बहुत नोक झोंक तो हर रिश्ते में चलती है, वो बात अलग होगी, बट एक टाइम आएगा, अब आपको हम थोड़ा सा अलर्ट करना चाहते हैं, एक टाइम आएगा कि चाहे कोई भी हो, अगर ये पर्सन मैरिड है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, या फिर इनकी फैमिली कोई है जो आप दोनों को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेगा, इन पर ब्लैक मैजिक कर सकता है, मतलब कि आप दोनों को दूर करने के लिए वो इंसान किसी भी लेवल तक जाएगा, समझ रहे हो? और थोड़ा सा डिटैचमेंट भी फील करेंगे आप कुछ समय के लिए इन फ्यूचर। बहुत सारे लोग आपके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बीच में कुछ दिनों का सेपरेशन भी होगा आप दोनों का, आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं होगी, आपको बहुत बुरा लगेगा, घबराहट होगी, रोना आएगा कि शायद हम अलग हो गए हैं। लेकिन एक बात सुनिए, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों अनंत जन्मों से एक दूसरे के लिए हो, मिले थोड़ा देर से हो, कुछ कर्मा हो सकता है, लेकिन आप दोनों को कभी कभी कोई अलग नहीं कर सकता। ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता इतना मतलब कि खोखला नहीं है कि ये यूं ही टूट जाए। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में जाएंगे, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल में जाएंगे, बट ये बहुत समय तक नहीं चलेगा। जिस दिन आप दिल से, आत्मा से, प्यार से उन्हें पुकारेंगे ना, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आपको हीलिंग करते रहना इनकी हमेशा, आप इनकी हमेशा हीलिंग करते रहना, इतना समझ लीजिए कि आपको जब आपको कभी फील हो कि इनका इनके बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है, जब भी आपको महसूस हो कि इनके अंदर कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, तो आप इनके डिस्टेंस हीलिंग शुरू कर देना, ठीक है? बाकी एक समय पर थोड़ा सा वक्त लगेगा आप दोनों को एक होने में, क्योंकि बीच में एक विलन आएगा आप लोगों को अलग करने के लिए, बट आप ईश्वर के प्रति फेथ रखना, पेशेंस रखना, आप दोनों ज़रूर 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 एक होंगे। कुछ समय के लिए होगा जो भी होगा, बट उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद इनकी जो फैमिली है, चाहे वो एक्शन ले ले, या फिर कोई थर्ड पार्टी, जो भी मतलब डेविल एनर्जी जो भी होगी, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आपका प्रेम जीतेगा, समझ रहे हो? और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होंगे, उसके बाद फिर कभी आप दोनों अलग नहीं होंगे। तो ये जो पीरियड है फ्यूचर का, मतलब ये जो टाइम होगा जिस टाइम पर वो नेगेटिव एनर्जी आएगी आप दोनों के दरमियान, बस आप उस टाइम पर खुद को बैलेंस कर लेना, समझना। जैसे कि अगर ये आपसे बुरी तरीके से बात करते हैं, नहीं समझते हैं, तो आप ना उस टाइम पर आप ओवर रिएक्ट मत करना, आप समझ लेना कि ये इस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं है, ये इस वक्त किसी और के कंट्रोल में, किसी नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में, इस वजह से ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है। बट आपको अपने प्यार पर यकीन रखना है, अगर आप इनसे वाकई आत्मा से, दिल से प्यार करते हो, और अभी नहीं करते तो करने लग जाओगे आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार, तो बस आप इतनी बात याद रखना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही इस पृथ्वी पर आए हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो, और आप दोनों को कोई तुच्छ आत्मा कभी अलग नहीं कर सकती। बस बीच में वो थोड़ा सा होगा, बट अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो फिर से दोबारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दोनों के दरमियान फिर से रियूनियन हो जाएगा, ठीक है? तो इस रिश्ते की ये जो लव स्टोरी है आपकी, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी होने वाली है, इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, बस बीच में थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये हमेशा के लिए बदल जाएंगे, नहीं, आपका प्यार इन्हें वापस लेकर आएगा आपके पास, आपका प्यार सब कुछ ठीक कर देगा, आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपका मेडिटेशन, आपकी हीलिंग, सब कुछ ठीक कर देगा इन्हें। बस आप ये सारी चीज़ें करना ज़रूर बीच में, ठीक है? जब आपको कभी ऐसा इन फ्यूचर लगे कि इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस नेचुरल नहीं होंगे, वो चेंजेस डेविल एनर्जी की वजह से होंगे, ब्लैक मैजिक की वजह से होंगे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए,
कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको कभी भी लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जिस रिश्ते में आप हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, ठीक है, क्या है इस रिश्ते की पूरी सच्चाई? क्या है इस रिश्ते की पूरी सच्चाई? क्या था इस रिश्ते का पास्ट, और क्या है इस रिश्ते का प्रेजेंट, और क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर? जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, इनके साथ आपका ट्विन सोल कनेक्शन है, क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। इधर जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इसमें से 90% लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, और 10% लोग अपने सोलमेट के लिए रीडिंग देख रहे हैं। इधर देखो भैया, कार्मिक वालों की कोई एनर्जी नहीं है, इधर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, इधर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है कि हम क्या बताएं। चलिए सबसे पहले इस रिश्ते के पास्ट की बात करते हैं। हाय, कितना, जब फर्स्ट टाइम आप मिले थे ना, जब आपने पहली बार इन्हें देखा था ना, और इन्होंने आपको देखा था, तो बस ऐसा लग रहा था कि हम हवा में उड़ रहे हैं। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग खिंचाव, एक आकर्षण महसूस किया था, जैसा आपने आज तक किसी के लिए नहीं किया था, और इन्होंने भी कभी किसी और के लिए महसूस नहीं किया था। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि पहली बार में कैसे प्यार हो जाता है, लेकिन इन्हें देखते ही आपको भी पहली बार में प्यार हो गया था, और आपको देखते ही इन्हें भी पहली बार में ही प्यार हो गया था। लेकिन प्यार क्या होता है पहले ये समझते नहीं थे, इन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगा कि ये प्यार है, क्योंकि ये प्यार का कुछ और ही मतलब पहले समझते थे। पता है इनके साथ ना, आप में से बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। इनके साथ आपका पास्ट बहुत अच्छा था, इनके आते ही आपकी लाइफ में जैसे कि एक स्ट्रेंथ आ गई हो, इनके आते ही आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जैसे कि जिंदगी बदल गई है, जैसे कि आपको पंख लग गए हैं, जैसे कि आप आसमानों में हैं। हाँ, और सडनली ही हर तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट। ऐसा लग रहा था कि जैसे सोया हुआ भाग्य जाग गया है, जैसे कि किस्मत साथ देने लगी है, सब कुछ बदल गया था। इनसे बात नहीं हो रही थी, लेकिन एक खिंचाव, एक आकर्षण ये भी महसूस कर रहे थे आपके लिए, और आप भी महसूस कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद किसी जर्नी के दौरान इनसे मिले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ये स्कूल या कॉलेज फ्रेंड हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, और सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं ये आपको, सोशल मीडिया के थ्रू। इनके साथ आपका एज डिफरेंस भी है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके सोलमेट हों या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट हों, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, और समय आने पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी बन जाते हैं। मतलब कि इनकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहती है, कभी तो बहुत इमोशनल और कभी तो बहुत प्रैक्टिकल। लेकिन ये समझ लीजिए कि जैसा आकर्षण, जैसा खिंचाव आपने इनके लिए महसूस किया था, हूबहू इन्हें भी महसूस हुआ था। इन्हें भी बिल्कुल यही लगा था कि वो सॉन्ग है ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम,
जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। इनके दिल के गिटार बजने लगे थे, आपके दिल के गिटार बजने लगे थे, और आप तो पहले से ही बहुत बड़े वाले स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए स्पेशली हमें ऐसा ही लगता है कि जहाँ तक जितने लोग भी टैरोट रीडिंग देखते हैं ना, वो फेमिनाइन एनर्जी में ही होते हैं, क्योंकि फेमिनाइन हमेशा पहले अवेक होती है। सबसे पहले फेमिनाइन को पता चलता है कि वो ट्विन सोल जर्नी में है, और वही मस्कुलाइन एनर्जी को बताती है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में हैं। फेमिनाइन मतलब कि हो सकता है कि जब वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाए, बहुत रूड हो जाए, तो उसके लिए रोना और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल तो पहले से थे, लेकिन ट्विन सोल जर्नी क्या होती है, टैरो रीडिंग क्या होती है, वो इनके आने के बाद पता चला। क्योंकि जब इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हुआ ना पास्ट में, इनकी फैमिली की वजह से और थर्ड पार्टी की वजह से, तब आपने टैरो देखना शुरू किया। हमें नहीं पता कि फ़र्स्ट टाइम आपने किसका टैरो देखा था, लेकिन इनके आने के बाद ही आप टैरो से कनेक्ट हुए हैं, ना कि किसी और के लिए। हो सकता है कि आप पहले कभी किसी और के लिए, कुछ लोग होंगे जो शायद पहले से टैरो के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें तो ये समझ लीजिए कि 90% लगता है कि इनके आने के बाद ही आप टैरो से कनेक्ट हुए हैं। ये बात नहीं है कि आप मेडिटेशन नहीं करते रहे होंगे, आप मेडिटेशन को नहीं जानते होंगे, आप चक्रों के बारे में नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनका यही है कि इस पर्सन के आने के बाद, मतलब कि डिवाइन काउंटर पार्ट के मिलने के बाद ही स्पिरिचुअल जर्नी ना अपने हायर लेवल पर जाती है, जिसे ये समझ लीजिए कि हर तरह का आपको ज्ञान मिलने लगता है, हर तरह से आपको एक नॉलेज मिलने लगती है ना। तो इनके आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ बदला है। इन्होंने आपको पास्ट में रुलाया भी बहुत है, कभी कभी बहुत रूड हो जाते थे। बात यह है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। हम बार बार कहते हैं, फिर से बता रहे हैं, लेकिन अब जब इधर ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी निकल कर आ ही गई है, तो फिर बताना तो पड़ेगा ना हमें। तो इनकी जो फैमिली है ना, वो कभी भी आपके साथ शादी नहीं करवाना चाहती। इधर इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है। इनकी फैमिली इनकी शादी किसी और के साथ ही कराना चाहती है, लेकिन लेकिन जो कनेक्शन ये आपके लिए फील करते हैं, वो ये किसी और के लिए फील कभी नहीं करेंगे, और ना अभी करते हैं। तो पास्ट में आपके आने के बाद इनकी भी ग्रोथ हुई है, और इनके आने से आपकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। भले ही आप रोए ही क्यों ना हो, टैरो से कनेक्ट होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, एक स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्ट होना, लाइक जो एक स्पिरिचुअल पर्सन टैरो रीडिंग करता हो, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले फेमिनाइन को ही पता चलता है कि उसका सोल पर्पस क्या है, वो क्यों है धरती पर, और वो जो इंसान के साथ रिश्ते में है उसके साथ उसका क्या कनेक्शन है। मतलब कि अगर वो इग्नोर भी करे, वो रूड बिहेव भी करे, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल इंसान को सेल्फ लव होता है, उसका आत्मसम्मान उसके लिए सबसे पहले होता है, लेकिन डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ वो अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाती है। फेमिनाइन एनर्जी, आप चाहे मेल बॉडी में हो या फिर फीमेल बॉडी में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ही कुछ इधर भी है। पास्ट बहुत अच्छा रहा है, पास्ट में कोई दिक्कत नहीं रही है, स्टार्टिंग ही आप लोगों की बहुत अच्छी हुई है, स्पिरिचुअल तरीके से हुई है। ये बिल्कुल एक स्पिरिचुअल लव है, समझ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये। और जैसे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, एंजल्स ने बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको ज़िंदगी में सिखाई हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको दी हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप रूबरू नहीं थे, अनभिज्ञ थे, आप जानते नहीं थे, आप अनोन थे, लेकिन ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है इनके आने के बाद। आपकी आंतरिक संपदा, मतलब कि इनर लेवल पर आपकी बहुत प्रोग्रेस की है ईश्वर ने, ये समझ लीजिए। और कहीं ना कहीं इनर लेवल पर प्रोग्रेस करना ही हर ट्विन सोल जर्नी वालों का पर्पस होता है।
तो डियर पास्ट तो बहुत अच्छा रहा है, और हम यहाँ पर आपके नेचर की बात करें, आपकी ज़िंदगी की बात करें, तो देखिए आपकी जल्दी किसी से लड़ाई नहीं होती है, और आप भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते, आप एकांत में ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, और आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान नहीं हैं कि करो या मरो की सिचुएशन, आप सब कुछ अक्सर डिवाइन पर छोड़ देते हैं, ईश्वर पर छोड़ देते हैं। आपको ना कट्टरता पसंद नहीं है, आपको एकता पसंद है, जाति धर्म का वाद विवाद आपके जीवन में नहीं है, आपको हर जगह सिर्फ आपका ईश्वर दिखता है। मतलब कि ऐसे नहीं है कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाना, दूसरे के धर्म की निंदा करना, बेइज्जत करना, ये सारी चीज़ें एक स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर कभी नहीं होती हैं। अगर वो सम्मान नहीं करेगा तो अपमान भी नहीं करेगा ऐसा। और आप बहुत जैसे कि शांति में रहना, सुकून में रहना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ये जब आपसे झूठ बोलते थे ना पास्ट में, तो आपको पता चल जाता था कि आपको झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता था अरे कोई बात नहीं, आप हर्ट होते थे लेकिन लगता था चलो छोड़ो कोई बात नहीं। और फैमिली इशू की वजह से इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं आपको, बहुत झूठ। ये भी आपके लिए बहुत सीरियस हैं, अभी भी सीरियस हैं, बहुत सीरियस थे भी आपको लेकर, क्योंकि जैसा आपके लिए फील करते हैं ऐसा कभी किसी के लिए किया नहीं है, तो इन्हें लगता था कि इधर कुछ अलग है, इधर वो बात नहीं है। स्टार्टिंग में जब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते थे ना, तो इन्हें लगता था कि शायद आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्टेबल हैं, इस वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उस अट्रैक्शन को ये स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं समझ पा रहे थे। ये चीज़ें सबसे पहले आपको पता चली हैं, आप समझें इस चीज़ को कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि इधर अनकंडीशनल लव है, इधर कोई स्वार्थ वाला प्यार नहीं है कि रीजनेबल लव हो, ये बिल्कुल अनकंडीशनल लव है। पहले ये इन चीज़ों को नहीं समझते थे, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके इन्हें समझ में आया जब आपने इन्हें समझाया, जब आपने इन्हें समझाया कि आपका कौन सा कनेक्शन है और हमारा क्या सोल पर्पस है, ये सारी चीज़ें आपने इन्हें बताई हैं। तो डियर पास्ट आपका बहुत अच्छा रहा है, और ये जो इंसान है बहुत गुड लुकिंग है, ये मेल हो या फिर फीमेल हो, बहुत स्ट्रेंथ है इनमें, बहुत हिम्मती हैं ये, और बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं ये अपने ऊपर, काफ़ी लविंग हैं, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप के हैं, और ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेकर पीछे पड़ना इनकी आदत नहीं है, न्यू बिगनिंग करना, होपलेस नहीं होना, पॉजिटिव रहना, ऐसी इनकी आदतें हैं, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस तो है, हो सकता है कि इन्होंने आपसे कहा हो कि आपको पसंद करते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आपने कहा होगा। अभी हम इधर प्रेजेंट की बात करें, इधर कमिटमेंट को लेकर काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं, इस टाइम पर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू की वजह से। थर्ड पार्टी फैमिली भी है, कोई थर्ड पर्सन भी है अगर ये मैरिड है तो, और हो सकता है कि इनकी फैमिली कहीं शादी और कराना चाह रही हो। तो अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, मेडिटेशन तो आप कर रहे हैं, मेडिटेशन तो आप कर रहे हैं इस टाइम पे, प्रेजेंट पे ही चल रहा है, आप अपने यूनियन रियूनियन के लिए कंटिन्यू मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन दिल कहीं ना कहीं टूटा रहता है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद ये भूल चुके हैं आपके प्यार को। वो सॉन्ग सुना आपने, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे जहां भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, जाने कहां गए वो दिन। ऐसी एनर्जी है कि जाने कहां गए वो दिन, जो पहले बातें करते थे, एक दूसरे को समझते थे, सब कुछ कहाँ चला गया, सब कुछ कहाँ खो गया। हाँ, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, फैमिली इन्हें समझती नहीं है,
फैमिली के लिए जान निकाल के भी रख देंगे। फैमिली बहुत एहसान फरामोश है इनकी, और फैमिली इनके एहसासों को जज्बातों को समझती नहीं है, आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और इस कसमकस में इतना परेशान है करियर परिवार आप, कि इस टाइम पर ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये आपसे बात बहुत कम कर रहे हैं, और हो सकता है कि अभी नो कॉन्टेक्ट की भी सिचुएशन हो, आपका दिल टूटा हुआ हो। इसलिए आप अपने मन को शांत करने के लिए आप जगह जगह टैरो रीडिंग में सुनते हैं कि आप इनर वर्क करिए तो आपका यूनियन हो जाएगा, आप इनर वर्क करिए। तो कहीं ना कहीं आप बहुत समय से इनर वर्क कर भी रहे हैं कि देखते हैं शायद अब कुछ ठीक हो जाए, अब कुछ ठीक हो जाए। इनकी ज़िंदगी को देखकर आपको लगता है कि क्या हम कभी एक हो पाएंगे, क्या कभी हमारा यूनियन होगा। और ये पता है क्या सोचते हैं आजकल, ये सोचते हैं जब भी ये एक्शन लेंगे ना आर पार वाली स्थिति होगी, या तो सिर्फ आप या फिर इनका परिवार। ये मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको धोखाधड़ी में रखें कि नहीं नहीं तुम रुको मैं परिवार को संभाल लूँगा, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इनकी फैमिली आपको किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं करेगी, किसी भी कंडीशन में। और ये आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहते, ये आपसे सीधे बोल देते होंगे कि देखो जब तक मैं चीज़ों को क्लियर नहीं कर लेता मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। और अभी कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर ही बहुत सारी बातें बिगड़ी पड़ी हैं शादी को लेकर, लेकिन जब भी आप इनके बारे में सोचते हैं तो आपको 11-11 दिखता है, आपको 4-4 दिखता है ना, बहुत ज़्यादा दिखता है। आपको लगता है कि एक ना एक दिन हम एक हो जाएंगे, आपको पूरी उम्मीद है, शायद आपको अपने प्यार पर बहुत यकीन है, लेकिन कभी कभी द्वंद्व की स्थिति में आप भी आ जाते हैं कि आखिर इनका कब तक इंतज़ार किया जाएगा, आखिर कब तक आप इनका वेट करेंगे कि ये अब आएंगे, कब आएंगे, ऐसा लगता है। तो डियर प्रेजेंट में तो यही चल रहा है कि बहुत सारे लोगों के दरमियान नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है, ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, इस टाइम पर आपके प्यार को कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे हैं, या फिर ये समझिए कि एक नाटक कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इस टाइम पर बहुत मजबूर हैं, बहुत हेल्पलेस हैं। ये अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, ये और चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आप हैं कि दिन रात इनके बारे में सोच रहे हैं। ये अपने करियर को लेकर परेशान है, अपनी फैमिली को लेकर परेशान है, और आप सब कुछ छोड़कर इनको लेकर परेशान है। आपका ना पढ़ाई में मन लगता है, ना आपके करियर में आपका ध्यान है, मतलब कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ पर, और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करते हैं आप इनर वर्क करने की, और बहुत हद तक आप कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। तो गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ सुनने से पहले हमें रिश्वत चाहिए। आज बाद में हमने रिश्वत मांगी, पहले नहीं, चलो पहले रिश्वत दे दो आप हमें। डियर, आप दोनों एक होंगे, 100% एक होंगे, 1000% एक होंगे, और ये खुद आएंगे, और आप बहुत अप्रिशिएट करेंगे इनके प्यार को, ये भी आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आपने अब तक इनका इंतज़ार किया। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि शादी हो जाती है दोनों की किसी और से, आपकी किसी और से, उनकी किसी और से, लेकिन अगर किस्मत में आप दोनों ही एक दूसरे के लिखे हैं ना, तो मिलते ज़रूर हैं, मिलेंगे ज़रूर, किस्मत कुछ ना कुछ ऐसा खेल रचाती है कि मिलते ज़रूर हैं। तो डियर, इधर फैमिली चाहे कितने भी नाटक कर ले, लेकिन एक समय पर आप दोनों मिलेंगे। तब तक हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाए, हो सकता है कि आप दोनों की इधर उधर शादी भी हो जाए, लेकिन आपका मिलना तय है, इनर लेवल पर नहीं, फिजिकल लेवल पर भी। और पता है, कुछ लोग तो शादी भी करेंगे, हो सकता है कि उनकी जहाँ शादी हो वहाँ पर उनका डाइवोर्स हो जाए, या फिर आपकी जहाँ शादी हो आपका डाइवोर्स हो जाए, लेकिन आप दोनों ही एक होंगे, ये समझ लीजिए। इस रिश्ते का फ्यूचर जो है ना, बहुत ब्राइट है, बहुत बैलेंस लाइफ है। कोर्ट मैरिज होगी, समझ रहे हैं, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोर्ट मैरिज होगी, लेकिन अनकंडीशनल लव रहेगा। ये खुद चलकर आएंगे आपके पास, ये खुद आपसे कहेंगे कि मुझे ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीनी है, क्योंकि
गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, ये समझ लीजिए। और एंजल्स आप लोगों को मिलाएंगे, एंजल्स की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहती हैं। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ कठिन परीक्षाएं होती हैं ट्विन सोल जर्नी में, ट्विन सोल जर्नी इतनी आसान नहीं है, बहुत सारे अनुभवों से गुजर कर हमें ट्विन सोल जर्नी मिलती है, कई जन्मों से गुजर कर हमें ट्विन सोल जर्नी मिलती है। अगर आपका रिश्ता यूं ही अनकंडीशनल रहा, अगर आपके प्यार में यूं ही निस्वार्थ भाव रहा, तो एक दिन वो होगा कि आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक होने का मतलब शरीर के एक होने की बात हम कभी नहीं करते। बहुत सारे लोग यहाँ सोचते हैं कि वो फिल्मी डायलॉग है ना, दो जिसमें एक जान, हम एक हो गए, क्या एक हो गए, हाँ इनर लेवल पर एक होने की बात करते हैं कि बस आप सोचे और उन्हें पता चल जाए, वो सोचे और आपको पता चल जाए, हर चीज़ एक दूसरे की आप दोनों फील कर सके, दूर रहकर भी महसूस कर सके। एक समय पर वो हो जाए कि न तुम रहो न मैं रहूँ, एक हो जाएं, वो सिचुएशन हो जाएगी। तो पता है फ्यूचर में सारे गिले शिकवे खत्म होंगे और आप दोनों की शादी भी हम देख रहे हैं। देखो अगर शादी होती है ना, तो एक बात याद रखना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें महादेव और महादेवी का आशीर्वाद मिलता है। जिन ट्विन सोल जर्नी वालों को शादी करने का मौका मिलता है, अगर शादी हो जाती है तो फिर ये मत भूल जाना कि भाई अब तो सती को पा ही लिया है, अब तो महादेव को पा ही लिया है, अब ध्यान साधना करने की क्या ज़रूरत है। हाँ हाँ भूल मत करना, ये समझ रहे हैं, सती को पाने के बाद भी महादेव ध्यान साधना करते रहते हैं, देखा है ना अपने सीरियल्स में, हमने देखा भी है और पढ़ा भी है, इसी वजह से कह रहे हैं हल्के में मत लेना ट्विन सोल जर्नी को। अगर महादेव की कृपा हो गई आपके ऊपर, अगर आप दोनों का हर तरह से यूनियन हो जाता है, फिजिकल लेवल पर भी इनर लेवल पर भी आपको साथ रहने का मौका मिलता है, तो उस मौके को गंवाना मत, ध्यान साधना मिलकर करना, समझ रहे हैं, अपने सोल पर्पस से भटकना मत कि बस अब क्या, अब तो हम एक हो गए हैं, अब बढ़िया खूब पैसे कमाएंगे, दो चार बच्चे हो जाएंगे और फिर पूरी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, ये करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, हम समझ रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को मत भूलना, क्योंकि आपकी नींव, आपका जो बेस है वो स्पिरिचुअलिटी है, समझ रहे हैं। आपको पता है अगर नींव मजबूत ना हो ना, तो बिल्डिंग कब गिर जाएगी पता नहीं चलेगा, इसलिए नींव मजबूत रखना हमेशा। और ट्विन सोल जर्नी का बेस, ट्विन सोल जर्नी की नींव ध्यान है, मेडिटेशन है, इनर वर्क है, ठीक है। तो देखिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप ट्विन सोल हो, सोलमेट हो, आप दोनों 100% एक होंगे, बस स्पिरिचुअलिटी को मत छोड़ना, स्पिरिचुअलिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप अपने रिश्ते की सच्चाई को समझ गए होंगे, समझ गए क्या, कमेंट करके बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। जय श्री कृष्णा, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर आपको पता है लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार है आप इस चैनल पर, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें ना, तो देखिए जो कमेंट बॉक्स में लोग नंबर देते हैं ना, वो सब फ्रॉड के होते हैं, पंडित जी, गुरु माँ, मौलाना, ढिमकाना, दुनिया भर की बातें, ठीक है, वो हमारे नंबर्स नहीं होते। हमारे नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, समझ रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल अलाउड नहीं है। अगर हम दिन भर सबसे बात करने लगेंगे ना, तो हम ना मेडिटेशन कर पाएंगे ना हम रीडिंग कर पाएंगे। आपको जो भी समस्या है, जिस टॉपिक पर आपको रीडिंग लेनी है, आप मैसेज कर दीजिए, हो सकता है कि रिप्लाई मिलने में थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा, आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम,
ओम साईं राम।